आम आदमी पार्टी में उठे बगावती सुर। मुस्तफाबाद के प्रत्याशी का है जबरदस्त विरोध। आपके वॉलंटियर्स ही कर रहे हैं विरोध। अरविंद केजरीवाल को ही घेरने की गई कोशिश। देखा आपने, ये आम आदमी पार्टी के वो वॉलंटियर्स हैं जो कल तक मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन अब ये खुद ही आला कमान के फैसले का विरोध कर रहे हैं और पार्टी संयोजक को घेरने के जुगत में हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने आज कौशाम्बी में कार से उतरते ही केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद सीट से लक्ष्मीनगर के रहने वाले हाजी यूनिस को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पिछले चुनाव से लेकर आज तक उस इलाके में आपके लिए दिन रात एक कर रहे वॉलंटियर्स इस बात पर ऐतराज जता रहे हैं कि उनके बीच के किसी शख्स को टिकट देने की बजाय पार्टी ने बाहरी व्यक्ति को क्यों यहां से उम्मीदवार बनाया। इसी बात से नाराज सैकड़ों की तादाद में मुस्तफाबाद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कौशाम्बी पहुंचे। इन लोगों ने यहां शुरू होने वाली पार्टी नेताओं की मीटिंग में पहुंचे अरविंद केजरीवाल को कार से उतरते ही रोकने की कोशिश की और इस मामले पर बात करने को कहा, मगर देखिए किस तरह से केजरीवाल उन्हें बुधवार को बात करने का लॉलीपॉप देकर चलते बने। हालांकि पिछले चुनाव में आपने इस इलाके से यहीं के रहने वाले कपिल धामा को टिकट दिया था जिन्हें महज 20,000 वोट मिले थे। इसी के चलते इस बार पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य इस इलाके से हाजी यूनिस को टिकट दिया ताकि मुस्लिम मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जा सके, लेकिन पार्टी के वॉलंटियर्स का कहना है कि चाहे उम्मीदवार कोई भी हो मगर वो स्थानीय होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि यदि उनकी मांग पर विचार नहीं हुआ तो वो मंगलवार को हाजी यूनुस का पुतला फूंक कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सतेंद्र राघव के साथ राहुल शर्मा की रिपोर्ट।